नमस्कार साथियों, हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से लास्ट ईयर यानी कि 2022 में स्पेशल एजुकेटर के तकरीबन 297 जो पोस्ट हैं इन पर भर्ती निकाली गई थी। देखिए, जो ये भर्ती थी ये आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर थी, यानी कि जो है जो कैंडिडेट्स जो लगाए जाने थे यानी जो टीचर लगाए जाने थे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पर लगाए जाने थे। तो साथियों, जो इसका एग्जाम हुआ था सेंटा के द्वारा करवाया गया था और जो साथी इसमें पास हुए थे यानी कि जिन्होंने इस एग्जाम को पास किया था, सेंटा का एग्जाम जो दिया था स्पेशल एजुकेटर के लिए, उन साथियों का जो डीवी है वो अप्रैल 2023 यानी कि इसी साल के जो अप्रैल महीना है यहाँ पर इसमें डीवी हुआ था और इसके बाद 30/6/2023 को इनको एक चांस दिया गया था दोबारा कि वही जो आपके जिन्होंने जिनको कोई चांस वगैरह मतलब मिला नहीं है या कोई डीवी नहीं करवा पाए तो वो साथी 30/6/2023 को यहाँ पर डीवी करवा सकते हैं। तो साथियों, इसके बाद जो है एक जो है नया नोटिस है इन साथियों के लिए यहाँ पर जो है स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से डाला गया है और इनको एक लास्ट चांस अलग से दिया गया है। तो देख लेते हैं ये नोटिस किस प्रकार से है और किस लिए जो है ये लास्ट चांस दिया गया है और किन कैंडिडेट्स को ये लास्ट चांस यहाँ पर दिया गया है। तो साथियों देखिए, जो भर्ती निकाली गई थी आपकी पहली से आठवीं और नौवीं से बारहवीं क्लास जो टीचर हैं, क्लास के टीचर, इनके लिए भर्ती निकाली गई थी। और देखिए, यहाँ पर जो डेट है वो लिखी हुई है कि भाई इन डेट पर जो आपका डीवी हुआ था। तो देखिए, इनमें क्या है कि जो कुछ जो है कैंडिडेट्स हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें जो है कुछ जो है खामियां मिली थी यानी कि कुछ गलतियां मिली थी, जैसे कि मिसमैच ऑफ नेम, फादर मदर नेम, नेम स्पेलिंग एरर्स इन SCBC ESM EWS सर्टिफिकेट्स या BCA BCB सर्टिफिकेट जो है इश्यूड बिफोर हरियाणा गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन डेटेड 17/11/2021 यानी कि उनका जो BCA BCB जो यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उनका काफ़ी पुराना है, या जो है जो उनके जो RCI जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं वो उनके नॉन एक्टिव है। तो इन साथियों के लिए जो है ये अपडेट रहने वाली है और ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं इनकी यहाँ पर एक लिस्ट जो है बोर्ड की तरफ से डाली गई है और जो है उनसे कहा गया है कि भाई जो इनके जो डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे हैं यानी कि जिन डॉक्यूमेंट्स में गलती है उन डॉक्यूमेंट्स को और सेल्फ डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट जो कि बोर्ड के द्वारा वेबसाइट पर डाला गया है यानी कि स्पेसिमेन जो कॉपी है उसके साथ में जो है हेडक्वार्टर है जो इनका हेडक्वार्टर पंचकुला, इसकी जो ईमेल आईडी है IEDHSSPP1@gmail.com, इस ईमेल आईडी पर जो है आपको जो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने इस आईडी पर मेल करने हैं। तो जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 18/9/2023। तो साथियों, आपको जो है अब जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि जिनमें कोई गलती रह गई है वो अब जो है डॉक्यूमेंट्स आपको 18/9/2023 तक इस ईमेल आईडी पर अपने हैं जो मेल करने हैं। और जो भी साथी इस ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट मेल नहीं करेंगे, ठीक है जी, उन साथियों को जो है यहाँ पर जो कैंडिडेचर है उनका जो यहाँ पर है कैंसिल कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। और देखिए, इसके बाद जो फाइनल जो लिस्ट है मेरिट लिस्ट वो आपकी 22/9/2023 को यहाँ पर अपलोड की जाएगी जो कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स की होगी। तो साथियों, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और बात कर लेते हैं जो लिस्ट की, तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो लिस्ट जो डाली गई है वो है आपकी, देखिए पहली लिस्ट है आपकी क्लास वन फर्स्ट से एट तक की यानी कि पहली से आठवीं तक की स्पेशल एजुकेटर की। तो जो ये है ये करीब आपके 32 जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई ना कोई जो है कमी निकली है, जैसे कि BCA जो सर्टिफिकेट है वो पुराना यहाँ पर अपलोड किया गया है, उसको मान्य यहाँ पर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, किसी का जो है अपडेटेड RCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं है, किसी का BCA भी जो सर्टिफिकेट है वो पुराना है, किसी से लेटेस्ट SC सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। अगर आपके पास लेटेस्ट SC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपसे कॉपी ऑफ परिवार पहचान पत्र यहाँ पर मांगी गई है। तो जो भी ये साथी हैं जिनके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी है और जिनका इस लिस्ट में नाम है, उन साथियों को जो अपना डॉक्यूमेंट है और जो सेल्फ डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट है यानी कि जो ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये आपको क्लास फर्स्ट से एट तक का है, जो ये सर्टिफिकेट है ये आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच कर गई और स्कैन करके ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको
ईमेल आईडी पर मेल करना है। इसी के साथ में देखिए यहाँ पर जो है 9वीं से 12वीं तक जो है शिक्षक जो स्पेशल एजुकेटर जो लगाए जाने हैं उनकी भी जो लिस्ट है यहाँ पर डाली गई है। ये आपके तकरीबन 44 कैंडिडेट से ऐसे हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी निकली है। तो इन सभी साथियों को भी यहाँ पर जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो कि यहाँ पर बोर्ड की तरफ से मांगे गए हैं वो साथी जो है ये डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड अपना जो है ईमेल आईडी पर मेल कर दें, क्योंकि अगर आप इसको जो है मेल आईडी पर मेल नहीं करेंगे और इसके बाद जो 22 तारीख को जो लिस्ट लगेगी उसमें जो है आपका नाम नहीं आएगा और आप फर्दर जो है मेरिट लिस्ट जो लगेगी यानी कि जो फाइनल लिस्ट जो लगेगी उसमें आपका नाम नहीं आ सकता है, चाहे आपने कितना भी स्कोर किया हो, इसे इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो आपके लिए भी देखिए यहाँ पर जो है सेल्फ डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट है बोर्ड की तरफ से यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो जितने भी साथी हैं जिन्होंने भी स्पेशल एजुकेटर का जो है फॉर्म अप्लाई किया था वो साथी जो अपना यहाँ पर लिस्ट में नाम देख सकते हैं और जो यहाँ पर जो जिनका इस लिस्ट में नाम है और जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स इधर साइड में मांगा गया है वो साथी यहाँ पर जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर अपने ईमेल आईडी पर मेल कर दें। ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए थी जो कि स्पेशल एजुकेटर जो टीचर्स थे यानी कि जिन्होंने स्पेशल एजुकेटर टीचर्स का जो है फॉर्म अप्लाई किया था। इसके बाद बात कर लेते हैं टीजीटी में जो डीवी है। तो देखिए साथियों जो जिन्होंने भी जो यहाँ पर एचएसएससी टीजीटी का जो डीवी दिया है उन साथियों के लिए काफी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन यानी जो अपडेट है उनके लिए भी यही अपडेट रहने वाली है। देखिए अगर आपने कोई भी पुराना सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाया है कोई भी कैटेगरी वाला तो वो आपका यहाँ पर मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि जब जो है बोर्ड ही मान्य नहीं कर रहा तो एचएसएससी कैसे मान्य कर देगी। तो ये यहाँ पर 17/11 जो 2021 का जो हरियाणा गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन है इसका यहाँ पर क्लियर जो है उल्लंघन है। तो यहाँ पर जो है काफी जो साथी हैं जिन्होंने जो है पुराने सर्टिफिकेट वहाँ पर जो है डीवी में जमा करवाए हैं उन साथियों को यहाँ पर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।